बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आज बताने जा रही हूँ आपको फ्राई मटन। ये मेरी बनाई हुई खुद की रेसिपी है और ये बहुत टेस्टी है। जब बकरा ईद के वक्त आप खुद बना कर देख लेना, ज़्यादा कुछ होता है तो अच्छे से बना सकते हैं आप। ये सारे मसाले, 1 किलो मटन, उसमें 6 अदद टमेटो ग्राइंड किए हुए, लाल मिर्ची पाउडर 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 4 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी 1/2 टीस्पून, और ये कोथमीर, कड़ी पत्ता, लॉट्स ऑफ कड़ी पत्ता लगता है जब हम फ्राई करते हैं, और मैंने 12 हरी मिर्ची ली हूँ, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, और 5 टेबलस्पून ऑयल। पहले हम मटन को कुकर में डाल देंगे, धोया हुआ रखा हुआ मटन है उसे कुकर में डाल देंगे, और इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, और ये पीसे हुए टमेटो ग्राइंड किए हुए, और इसको हम सबको मटन के साथ बॉईल कर लेंगे। हम अभी प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेंगे सबको डालकर, और ये सारे फ्राई के टाइम पे हमको लगेंगे। फ्राई जब हम ये आइटम फ्राई करेंगे मटन, जब हमको ये ग्रीन चिल्ली, करी पत्ता और ऑयल, लास्ट में कोथमीर लगेंगी। हम इसको अभी बंद करके फ्राई के लिए, बॉईल करने के लिए रख देंगे। अभी मैं कुकर खोल रही हूँ और ये अपना गोश्त गल चुका है, इसको फ्राई करेंगे। फ्राई पैन हम रखेंगे, उसमें 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। मैं ज़्यादातर राई का तेल यूज़ करती हूँ क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और इसको अच्छा ज़्यादा गर्म करना चाहिए, धुआं निकले तक गर्म होना चाहिए इसको, ये राई का तेल इसलिए। और जब मैंने ये मटन चढ़ाई उस वक्त मैंने 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दी थी बॉइल्ड के टाइम पर। अब लॉट्स ऑफ करी पत्ता और ग्रीन चिल्ली हम डालेंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे, बहुत अच्छा गल चुका है हमारा, और मसाले हम डाल चुके हैं इसमें। अच्छा फ्राई करना है हमें इसको क्रिस्प होने तक, ग्रीन चिली और
इसको अच्छे से फ्राई करना है हमें, और इसको रोटी या पराठे के साथ सर्व करना है। लास्ट में आपको कुछ में कोरिएंडर डाल देना है। डिश आउट कर दीजिए। ये रही हमारी डिश, रेडी हो चुकी है फ्राई मटन। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ताकि मेरे नए वीडियोस आप देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।